एक मिनट, खोलो दूसरे बैठो। क्या कचरा? तू कचरा देके मेरे को उसके पास भेजने वाला? वो मार देगा मेरे को, मेरा मर्डर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर बात बिगड़ जाती है, इसलिए मैं पैसे भी ले आऊं, पैसे दे देंगे उसे। लेकिन मैं उससे पैसे ऐसे ही नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसे ही उसे पैसे देना गलती के सामने घुटने टेकने जैसा होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। और अगर आज हमने उसके सामने घुटने टेक कर पैसे दे दिए, तो हो सकता है कि कल उसकी डिमांड्स और बढ़ जाएं और वो मांगने लग जाए पैसे हमसे। इसलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और वही मैं करना चाहता। बात तो तू सही कह रहा है, ऐसे कैसे पैसे दे दे? हाँ, पूरी जिंदगी लग जाती है इस टाइप के पैसे कमाने के लिए। अभी तो मेरे को दे, 9 महीने दे के खाली 10 लाख रुपए कमाने वाली हूँ, फिर हम उसको ऐसे धमकी के लिए 50 लाख रुपए कैसे दे दे? तू सही बोल रहा है। शाबाश, that's the spirit. अभी तू मेरे को बोल क्या करना है, जो तू बोलेगा ना मैं वो ही करूँगी। बहादुर तो हो तुम, ऐसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और मेरे को भी बहुत खुशी होती है जब तू ऐसे मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ खड़ा होता है। पर एक बात बताऊँ पारे, ऐसा भरोसा और ऐसा ना मेरे को अमन के साथ नहीं महसूस होता है। वो इसीलिए क्योंकि तुम अमन के साथ इतने खुली नहीं हो। जिस दिन तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब चले, भगवान करे जल्दी हो जाए। ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अब तुम्हारे दिल की जो सारी बातें हैं तेरी के लिए, वो सारे मैसेजेस लिखकर इस बॉटल में डाल दो। तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है? जाओ। मैं माता जी कीजिए। निकला, अरे ऐसी सुन सान जगह पे बुला लिया है, खुद भी तो बाहर आओ भाईला। मिस कॉल भी ना मिले गलत टाइम पे फोन करेगा। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, पैसे तो पूरे हैं ना? आवाज से तो पता चल गया कि वो तू ही है। पहचान लिया ना? अब पैसे रख और निकल ले यहाँ से। अरे सुन सुन सुन, मैंने तो तेरे को पैसा दे दिया, पर क्या गारंटी है कि तू ये पैसा लेने के बाद भी वो जो मेरी फिल्म है सीसीटीवी वाली, वो पुलिस को नहीं देगा और उसको मिटा देगा? हाँ, वो फुटेज पुलिस को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ तू ही नहीं बल्कि विकास का असली खूनी भी है। अरे दिल्ली वाट, अगर तेरे को मालूम है कि विकास का असली मर्डरर कौन है, तो फिर तू उसी को ब्लैकमेल करता, मेरे को क्यों ब्लैकमेल कर रहा है तू? तुझे ब्लैकमेल किया क्योंकि पैसे मुझे सिर्फ तू ही दे सकती थी, वो नहीं। वो बेचारा गरीब, उसकी औकात नहीं कि वो मुझे 50,000 भी दे सके। तेरे को बड़ी हमदर्दी है उससे, हैं? होगी, और क्यों नहीं, क्योंकि आखिर उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। तू, पंतु ने उसका मर्डर क्यों किया? तू विकास को कैसे जानता? तू है कौन? मैं अभिषेक हूँ, जो कभी दोस्त हुआ करता था विकास का। हम दोनों ने सेजल को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया था और तय किया था कि जो कुछ भी मिलेगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। लेकिन हीरो का हार हाथ लगते ही उसकी नीयत बदल गई, साफ मना कर दिया कुछ भी देने से। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी चक्कर में हमारे बीच हाथापाई हो गई, और इसी हाथापाई में मेरे हाथों उसका खून हो गया। पहले मैं ब्लैकमेलर बना, उसके बाद खूनी बना, लेकिन अभी भी
वो हीरो का हार मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी निकली कि तुम उसी जगह और लगभग उसी वक्त वहां आ गई, वरना अमीर बनने का दूसरा मौका मुझे कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, चल निकल यहां से। श्री कृष्णा, ऐसे सेफ्टी के लिए फुटेज को डिलीट कर देना। ए, रुक। तुझे तो देखता हूं, तू देख कि हम तेरे साथ क्या करते हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो यहां आती है। इसमें तेरा गुनाह रिकॉर्डेड है, अब आगे की जिंदगी तू जेल में काटेगा। इतनी आसानी से नहीं। मुझे अपना फोन देगा वरना मैं तुझे मारकर इसे ले लूंगा। So, ladies and gentlemen, करियाओके में आपका स्वागत है। So, to start with, champagne for the lady and one for me. Cheers. Hey. ये आपके लिए पाउच और ये वेट एनी के लिए। तू एक काम कर, तू गोली चला, क्योंकि मेरे जीते जी तो तुझे ये फोन मिलने नहीं वाला। पारत, पागल मत बन, फोन दे दे, दे दे फोन। टेनी, तुम चुप रहो, वहीं खड़ी रहो। मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके पैसों से अपनी जिंदगी बनाने के सपने देख रहा है ना तू? तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम स्वर गोली चलाए। आखिरी बार बोल रहा हूं, फोन मुझे दे दो वरना इस बार गोली हवा में नहीं तेरे ऊपर चलेगी। अरे सुन, सुन मेरी बात, गोली गोली मत चलाना, मैं तेरे को फोन दिलवाती हूँ ना। पारत देख फोन दे दे। तेरी तुम चुप रहो, वहीं खड़ी रहो। सच्चा प्यार हो जाएगा उस दिन जान देने के लिए भी तैयार हो जाओ। किसके लिए? उसी के लिए जिसे तुम प्यार करती हो।